सर, आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या था पूरा मामला, कौन लोग हैं ये सर? 29/30 की रात्रि में थाना करीमुद्दीन क्षेत्र में एक पिकेट ड्यूटी पर 2 PRT के जवान थे। रात में एक संदिग्ध मोटरसाइकिल निकलती हुई उन्हें नज़र आई। जब उसे रोका गया तो उस पर जो पीछे एक सवारी थी वो महिला की ड्रेस में थी। उनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो जो मोटरसाइकिल सवार थे उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके भाग गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद करीब 2-3 मोटरसाइकिलों पर 8-9 लोग आए और PRD जवानों के साथ मारपीट की, उन्हें जान से मारने की नियत से उन पर फायरिंग भी की। जैसे इसकी सूचना थाना प्रभारी को मिली, तत्काल सरगर्मी से इनकी तलाश की गई, जो बदमाश इस तरह की घटना करके भागे थे। इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि उसी समय वहाँ पे थाने की चीता मोबाइल भी पहुँच गई थी, 2 लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ गोपनीय रूप से, तो पूरा का पूरा वाक्य इसमें ये निकल के आया कि उस क्षेत्र में, यद्यपि पिछले कुछ दिनों से भी ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ ट्रांसजेंडर वहाँ पे लोगों के घरों में जाते हैं और कोई भी मांगलिक अवसर होता है तो वहाँ जाके एक तरह से लोगों का एक्सट्रॉशन करते हैं, लोगों को भी संदेह था। जब इस पूरे घटनाक्रम की छानबीन की गई तो इसमें भी ये इसी तरह का गैंग मिला। ये इसमें करीब 4-5 ट्रांसजेंडर के ड्रेस में थे, महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे, और जब बाद में पूछताछ सख्ती से की गई तो ये सारे पुरुष निकले हैं, लेकिन अपना भेष बदल कर भैरवियों की तरह थर्ड जेंडर के रूप में उस क्षेत्र में इन्होंने आतंक मचा रखा था और आए दिन शराब पी के भी वहाँ के लोकल मार्केट में उपद्रव करने की शिकायतें थी, बच जाते थे किसी की ना किसी आड़ में। आज इन्हें सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।